जी हाँ, सब जन साहबानों के सामने चंदा कैसेट के माध्यम से किस्सा लव कुश भाग दो पेश है। किस्सा लव कुश भाग दो। मेहरबानों, लक्ष्मण को शांत बना देकर सीता जी अयोध्या में वापस भेज देती है। शाम का वक्त हो रहा है, बियाबान बनखंड में विचर रही है बिचारी दुखिया सीता। रात्रि में कहां विश्राम होगा, ये ख्याल उसके दिल और दिमाग पर उभरे हुए हैं। मरने की सोचती है, लेकिन तभी पीछे से वाल्मीकि ऋषि आ जाते हैं। सीता जी से क्या पूछने लगे और सीता जी क्या बताने लगी, दोनों के सवाल जवाब कैसे भला। हे बियाबान बनखंड में बेटी, तू कौन कड़े ते आई। ओके बुझोगे बात ऋषि जी, भरती फिरू तवाई। हे बियाबान बनखंड में बेटी, तू कौन कड़े ते आई। मेरी के बुझोगे आके बुझोगे बात ऋषि जी, भरती फिरू तवाई। साफ बता बेटी तेरे पे, बता साफ बता बेटी तेरे पे, कष्ट कौन सा है पड़ गया। ओ पता नहीं ऋषिराज मेरा जाने कौन सा कर्म बिगड़ गया। तू आ पाईया किसे न काजी के, तेरा भर तार झगड़ गया। मेरा जो सपनों का महल ऋषि जी सारा आज घबरावे संत शरण में, तू मत घबरावे संत शरण में, मिल धीरज और समाई। मैं तो धके खाती फिरू बड़ों में भूखी और पिसाई। हे बियाबान बनखंड में है बेटी, तू कौन कड़े ते आई। मेरे के बुझोगे बात ऋषि जी, भरती फिरू तवाई। भूख प्याज और हे भूख प्याज और सुख दुख बेची, यो जीव कर्म ते पावे। दुखियारी नारी मुझ पे अब कष्ट से आन जावे। हे ऋषि शरण में आजी बेची, मत मन में घबरावे। मेरी भूल कौन सी होगी ना कुछ मेरी समझ में आवे। भजन करो कुटिया मेरे के, तुम भजन करो कुटिया मेरे के, ईश्वर करे सहाय। मैं गर्भवती हूँ नारी ऋषि ना जाती बात छुपाई। हे बियाबान बनखंड में बेटी, कौन कड़े ते आई। ओके बुझोगे आ
आधी बात कही बेटी, तने आधी बात कही बेटी, तने पूरी बात कही ना। ओ भूल भरम में भटक रही मेरे, कुछ भी याद रही ना। दिक्कत दुख सुख एक समझ बेटी, या कोई बात नहीं ना। मेरे पहर बराबर विपता सर पे, जाती ऋषि सही ना। मेरे पहर बराबर विपता सर पे, जाती ऋषि सही ना। दिक्कत सेवा सत्संग भजन करे से, हे सेवा सत्संग भजन करे जा, हम मिल जा सुखी राही। ओ कृपा हो जा ऋषि पढ़ लो ज्ञान पढ़ाई। पढ़ो पढ़ाई सत्संग की, तुम पढ़ो पढ़ाई सत्संग की, और सारे समझ के रहना। मुझे अपनी बेटी मान पिता की सा, प्यार समझ के रहना। दिखे छोटा बड़ा आश्रम में, ये छोटा बड़ा आश्रम में, एक सारे समझ के रहना। मैं तो शरण आपकी आ गई हूँ, सत्कार समझ के रहना। मैं शरण आपकी आ गई हूँ, सत्कार समझ के रहना। और इस दुनिया में कहे है मंगल, हाँ इस दुनिया में कहे मंगल, सदा है करते संत भलाई। रघुनाथ ध्यान सतगुर का हो पे, हो जा सपन कमाई। हे ब्याबान बन खण में बेटी, कौन कहा ते आई। मेरे के बुझोगे हाथ के बुझोगे बात ऋषि जी, भरती फिर तवाई। मेरे के बुझोगे बात ऋषि जी, भरती फिर तवाई। मेहरबानों इस प्रकार सीता जी का धीरज बनाते हैं वाल्मीकि, अपनी कुटिया में रख लेते हैं उसे। बेटी तू यहां विश्राम कर, तुझे कोई दुख नहीं होगा। इसी तरीके से रहते रहते कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक रोज गर्भवती सीता, वो समय आ जाता है मेहरबानों, 9 मास पूरे हो जाते हैं सीता जी गर्भ से व्याकुल है। कुछ वहां मुनि जो रहते थे उनकी पत्नियां भी वहां आ जाती हैं। किस तरीके से उस दर्द की पीड़ा को सहती है सीता जी, और लव कुश किस तरीके से पैदा होते हैं, सब हवाला इस बात के द्वारा आपके सामने। ओ पर सब पीड़ा हुई पेट में, ओ पर सब पीड़ा हुई पेट में, सीता जी घबराने लगी, आँख में आंसू छलक रहे, श्री राम का ध्यान लगाने लगी। पर सब पीड़ा हुई पेट में, सीता जी घबराने लगी, आँख में आंसू छलक रहे, श्री राम का ध्यान लगाने लगी। पर सब पीड़ा हुई पेट में,
दर्द से मछली की जूं लोच रही, कभी कभी माथा पकड़े कभी पेट पकड़ के मोच रही। मिले नारी
चलक रहे श्री राम का ध्यान लगान लगी पर सब पीड़ा हुई पेट में। मेहरबानो इस प्रकार मुनि वाल्मीकि की कुटी पे सीता जी के उधर से दो पुत्रों ने जन्म लिया। वाल्मीकि ने सही योग का मिलान करके दोनों का नाम लव और कुश रख दिया। होनहार बच्चे थे, धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। 4-5 साल की अवस्था हो जाती है लव और कुश की। किस तरीके से सीता जी उनका पालन पोषण कर रही है सब हवाला इस बात के द्वारा आपके सामने। ओ पालन पोषण करी थी प्रेम से लव कुश का सीता रानी। ओ पालन पोषण करी थी प्रेम से लव कुश का सीता रानी। मो पुत्रों का पालना झुलावे सिया कभी कभी गोदी लेके पुत्रों को खिलावे सिया। तोतली होली बच्चों की सुन सुन के हर सावे सिया राम नाम की मुख से वाणी बच्चों को सुनावे सिया। हो नित परम करे चलते थे फिर पैरों पे खड़े हुए सेवा सत्संग भक्ति के थे। हाँ सेवा सत्संग भक्ति के थे रंग चेहरे पे चढ़े हुए प्रेम की पढ़ाई माते दोनों भाई पढ़े हुए। ओ खाना नहाना गवाणी हो पलन पोषण कर प्रेम से लव कुश का सीता रानी। बड़े होके लव कुश मन मेरे लड़े होके लव कुश मन फेरे माता कारी जाने लगे वाल्मीकि आश्रम में दोनों पढ़ने जाने लगे। ऋषि कुमारों के संग में फेरे समय को भी जाने लगे धनुष बाण ले के बन में वे निशाना जाने लगे। राम महिमा जानी
सिया राम के अड़ी हार दोनों चाल ढाल रंग रूप बलि और विद्या में बलि हार दोनों चाव भाव आत्मा में हो चाव भाव आत्मा में करते हैं वे प्यार दोनों राम की निशानी है ये लव कुश राज कुमार दोनों कथा लव कुश की गानी हो पलन पोषण करी थी प्रेम से लव कुश खाती तारानी मेहरबानो इस प्रकार होनहार बच्चे थे लव कुश धीरे धीरे बड़े होते चले जाते हैं लेकिन माँ की ममता तो बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं माँ की ममता तो एक अजीब सी बात होती है मेहरबान पानी लेने के लिए जा रही है कुटी से सीता जी और दोनों बच्चों को समझा रही है कि कुटी से दूर नहीं जाना मेरे लाडलो दोनों क्या जवाब दे रहे हैं और सीता जी क्या कह रही हैं दोनों के सवाल जवाब भला कैसे ओ दोनों भाई सुनो बात ना ओ दोनों भाई सुनो बात ना दूर कुटी सजाना अरे तेरे सुत बलवान यतीमा मत मन में घबराना ओ दोनों भाई सुनो बात ना दूर कुटी सजाना के तेरे सुत बलवान यतीमा मत मन में घबराना परेशान कुटी में हम कहीं भी खेले री कूदे माँ पर रहेगा ध्यान कुटी में ओ लौट के जल्दी आना है करुणा जल पानी कुटी में चिंता तजो आनंद पावो सब सर्व समान कुटी में ओ बिन संतान कुटी में हो अरे वाल्मीकि ऋषि हाँ वाल्मीकि ऋषि कथा सुना मैं उसमें ध्यान लगाना निर्भय हैं हम दोनों भाई जोश होश है तन में ओ मैं चाहूं मेरी आंखा स्वामी रे खेलो रे आंगन में गुरु का ज्ञान और दुआ तेरी तू मत घबरावे मन में ओ दूध पिलाया बचपन में तारा रे दूध पिलाया बचपन में तारा हो चाहती लाड़ी लड़ाना अरे जन्म जन्म हम पुत्र तेरे तू माता बन के आना ओ, दोनों भाई सुनो बात ना दूर कुटी सजाना अरे तेरे सुत बलवान यतीमा मत मन में घबराना
बरती फिरे तवाई। अरे तेरा कहा मानेंगे माना चले दूसरी राई। ओ थारी खुशी में है मेरी खुशी तुम खुश रहो दोनों भाई। के निर्भय लाल हाँ निर्भय लाल माँ निर्भय लाल जने कन्नेरी जय जय जननी माई। ओ जो तुम्हें बात बताई लव कुछ करते नेम निभाया। अरे नेम निभावे प्रेम करेंगे मानेंगे समझाना। अरे तेरे सुत बलवान यतिमा मत मन में घबराना। जन्म जन्म की दाता माता सत पतवार तुम्ही हो। ओ इस दुनिया में जीने का मेरे सुतिया दार तुम्ही हो। और देख रेख और ज्ञान ध्यान की सब हकदार तुम्ही हो। मेरे राजकुमार तुम्ही हो तुम ही तरंग तराना। अरे मात भवानी सुमर के मंगल छंद भाषा में गाना। दोनों भाई सुनो बात ना दूर कुटी से जाना। अरे तेरे सुत बलवान यति मत माता घबराना। दोनों भाई सुनो बात ना दूर कुटी से जाना। तेरे सुत बलवान यति मत जननी घबराना। सब उस घोड़े के साथ चारों खूंटों में घोड़ा विचरता हुआ गोमती नदी के किनारे जब पहुंचता है तो मेहरबानो लव मुनि कुमारों के साथ गंगा तट पर घूमने के लिए गया हुआ। बहुत सुंदर घोड़ा और एक सुवर्ण पट्टी का उसके माथे पर टंगी हुई देखकर लव लालायित सा हो जाता और घोड़े को पकड़कर एक पेड़ से बांध देता। सभी सेना वहां आ जाती है, ललकारते हैं फटकारते हैं लव को। पट्टी पर यह लिखा हुआ था कि इस धरती पर जो भी क्षत्रिय है वो हमारी अधीनता स्वीकार करे, नहीं तो हमसे जंग करे। क्रोध आ जाता है लव को, सोचने लगता है क्या धरती पर यही क्षत्रिय है, हम भी तो छत्री हैं। इसीलिए घोड़े को बांध लिया पेड़ से। सभी सैनिक जब आ जाते हैं और जबरदस्ती घोड़े को खोलने की सोचते हैं तो भ्रकुटी तन जाती है लव की। मेहरबानों मना कर देता है, नहीं ये घोड़ा मैंने बांधा है तुम नहीं खोलोगे। अगर इस घोड़े को इस बंधन से छुटाना है तो लड़के इस घोड़े को हमसे छुटा के ले जाओ। किस तरीके की बात लव कहता है और कैसे युद्ध शुरू हो जाता है बाकी सब हवाला इस बात के द्वारा आपके सामने। और लड़के अपना अश्व छुटा लो जो हो तुम बलवान किया था। लव ने साफ ऐलान एजी किया था, लव ने साफ ऐलान। लड़के अपना अश्व छुटा लो, लड़के अपना अश्व छुटा लो जो हो तुम बलवान किया था। लव ने साफ ऐलान। Oh
थोड़ा मुख ना खोलो सैनिक रहा हूँ मैं तुमसे नाट, धनुष को उठाया लव ने कस के उनको मारी डाट, मानने नहीं सैनिक जब लव ने दिए हाथ काट। और सैनिक देखे लव ने बाड़ों की बोछार करी, कुछ भागे कुछ गिरे पड़े थे ऐसी मारा मार करी, घोड़ा नहीं खोलन दिया सेना सब लाचार करी। और काल जीत बली एके रण में दिखे, काल जीत बली एके रण में हड़े थे लव ने प्राण किया था, लव ने साफ ऐलान ए जी लव ने किया था साफ ऐलान। पुत्र मेहरबानो सुस्कल रथ पर चढ़ के गर्जा और न्यू कहने लगा, धूर्त तुझे पता नहीं है अवध की सेना किस तरीके से लड़ाई हुई। रथ में चढ़ के पुष्कल गर्जा मन में न्यू गरूर किया, रथ में चढ़ के पुष्कल गर्जा मन में न्यू गरूर किया, पुष्कल का रथ एक तीर से लव ने चकना चूर किया, आई थी मूर्छा उसको लड़ने से मजबूर किया। मुनि पुत्र देख रहे थे लव की लड़ाई को, मन ही मन में कर थे वे वीर की बढ़ाई को, उजार दिया लव ने वाल्मीकि की पढ़ाई को। करे मूर्छित लव ने रण में, करे मूर्छित लव ने रण में सुग्रीव और हनुमान किया था, लव ने साफ ऐलान ए जी किया था, लव ने साफ ऐलान। मेहरबान कालजीत लक्ष्मण का पुत्र चंद्रकेतु और भरत पुत्र पुष्कल सभी को बेहोश कर दिया, मूर्छित कर दिया, सुग्रीव और हनुमान को भी मूर्छित कर दिया। अंत में शत्रुघ्न सामने आता है लव के, किस तरीके से बला शत्रुघ्न को देखा उस पे एक तीर छोड़ दिया, शत्रुघ्न को देखा उस पे एक तीर छोड़ दिया, शत्रुंगी सेना सारी का बाड़क ने मुंह मोड़ दिया, शत्रुघ्न गिराया नीचे लव ने रथ तोड़ दिया। शत्रुघ्न ने उठ के झट पर वैष्णव चलाया तीर, सीने में लग गया था लव के धरण में गिरा था वीर, बांध लिया रथ में उसको निर्बल था उसका शरीर। कुमारो ने जाके भाई ऋषि कुमारो ने जाके सीता से क्या बखान किया था, लव ने साफ ऐलान। मेहरबानो वैष्णव नाम का एक तीर शत्रुघ्न निकालता है अपने तरकस में, वो तीर जिससे वो लवण असुर को मारकर आया था वही लव को छोड़ देता है। वाल्मीकि भगवान के वरदान से वो तीर लव के प्राण तो नहीं ले सका लेकिन लव मूर्छित हो जाता। जैसे ही मूर्छित हो गया तो शत्रुघ्न ने उसको अपने रथ से बांध लिया। मुनि कुमार जो देख रहे थे दौड़ पड़ते हैं एकदम और सीता जी के पास पहुंचते हैं। मां सीता तुम्हारे लव को एक कोई बहुत बड़ा राजा है उसने बांध लिया है अपने रथ से, क्यों भैया मेरे लव ने उनका क्या बिगाड़ा था, किस तरीके से जाके बताते हैं। इतनी ही देर में कुछ भी माता जी के आया पास, ऋषियों के सुख खड़े देखे माता जी देखी निराश, कारण तो बताओ माता कैसे आवे रुक रुक सांस। सुनो बेटे बात कुसुपन में जल्दी जाओ तुम, किसी राजा ने पकड़ा है लव को जा छुड़ाओ तुम, जल्दी से छुड़ा के लव को मेरे पास आओ तुम। भाई कुस भड़क्या और चल्या एकदम, कुस भड़क्या और चल्या एकदम, रेखा के तीर कमान किया था, लव ने साफ ऐलान। अब तक की लड़ाई मेहरबानों
इकला लव लड़ रहा था, अपनी माँ के कहने से खुश। तीर कमान उठा के उसी जगह पे पहुंचता है जहां वे ऋषि कुमार बता रहे हैं, पहुंच जाता है। जब पहुंचता है कुश वहां, तभी लव की मूर्छा भी टूट जाती है, होश आ जाता है। और दोनों भाई मिलके मेहरबानों किस तरीके का युद्ध कर रहे हैं। उसके संग ऋषि पुत्र मचाते जावे थे शोर, उसके संग ऋषि पुत्र मचाते जावे थे शोर। मूर्छि तोर मरे हुए को उसने देखा करके गोर, होश में आते ही लव ने बंधन सारे दिए तोड़। दोनों भाई अंधाधुंध तीरों को चलावन लागे, मूर्छित करके सबको जमी पे गिरावन लागे। देख के न मंगल हाल राग ही बनावन लागे। और राम कुमार ले सुर में भर के, राम कुमार ले सुर में भर के गावो कथा रामायण किया था। लव ने साफ ऐलान दिख लड़के अपना, अश्व छुटा लो लड़के रे अपना, अश्व छुटा लो जो हो तुम बलवान किया था। लव ने साफ ऐलान ये जी किया था, लव ने साफ ऐलान। मेहरबानों इस प्रकार लव और कुश दोनों ने मिलके अयोध्या की उस चतुरंगी सब सेना को धराशायी कर दिया। पुष्कल चंद्र केतु कालजीत और शत्रुघ्न जैसे वीर भी धराशायी कर दिए। कुछ मर गए, कुछ को मूर्छा आ गई। तो दोनों लव और कुश उछलते कूदते उस सेना में मोती मणि और कुछ मुकुट उतारते हैं जिनको बेहोशी आई हुई थी उनके। और अंत में वे दो बानर जो सुग्रीव और हनुमान थे उन दोनों को घोड़े की पूंछ के बांध लेते। घोड़े को लेकर दोनों भाई खुशी से उछलते हुए चल करके इस घोड़े को माँ को दिखाएंगे और इन बानरों से हम खेला करेंगे। ले जाते हैं बाहर, खड़ा कर देते हैं कुटी से घोड़े को। लव दौड़ता हुआ माँ के पास जाता है। माँ माँ, हाँ भैया, हम एक अश्वमेध का घोड़ा जीत कर लाए। तो सीता क्या कहती है अपने लाडलों से और दोनों क्या बता रहे हैं, दोनों के सवाल जवाब कैसे। एरी अश्वमेध यदि का घोड़ा हम जीत के माता ले आए हैं। ओ गलती कर दी मेरे लाडले, भारी जुल्म कमाए हैं। एरी अश्वमेध यदि का घोड़ा हम जीत के माता ले आए हैं। गलती कर दी मेरे लाडले, भारी जुल्म कमाए हैं। गलती कर दी मेरे लाडले, भारी जुल्म कमाए हैं। आमी समी लड़के जीते हम, आमी समी लड़के जीते। री जुलम का कौन सा ढंग करया, किस राजा के यज्ञ में बावले हम का क्यों भंग करया। अरे करे मूर्छित हमने सारे दिखे ऐसा मिलके जंग करया। और किस राजा का लड़ने में आजी तुमने फीका रंग कराओ। किस राजा का लड़ने में आज तुमने फीका रंग करा। एरी अवधपुरी में अभिमानी राजा दिखे, अवधपुरी में अभिमानी राजा श्री रामचंद्र कहलाए हैं। हाय गलती कर दी तुम मेरे लाडले, भारी जुल्म कमाए हैं। तन्ने गलती कर दी मेरे लाडले, भारी जुल्म कमाए हैं।
चंद्र का नाम जब सुनती है सीता, दोनों बच्चों से अंतरात्मा सी तड़प जाती है, लेकिन कुछ बता नहीं रही है लव कुश को। और लव कुश उस हकीकत को बता रहे हैं कि घोड़े के माथे पर कुछ लिखा हुआ था। कैसे भला? अरे उस घोड़े के माँ, उस घोड़े के माथे पे एक पट्टी पे लिखा पाया, पर के लिखा था तावड़ करके बता दिए मेरी माया। लिखा जो भी पकड़े घोड़े को फिर फंदे में फंस जा काया। बहुत बड़ी करी भूल चांदियों कैसा गजब जुलम ढाया, तने बहुत बड़ी करी भूल चांदियों कैसा गजब जुलम ढाया। तन राजी होना सहिए माँ, राजी होना सहिए माँ, फिर आंसू क्यों छलकाए हैं। और गलती कभी मेरे लाडले भारी जुलम कमाए, तन गलती कर दी मेरे लाडले भारी जुलम कमाए हैं। मेहरबानो, आंखों से अविगत अश्रु धारा बहने लगती है सीता जी के, और चेहरा उदास हो जाता है जब अवधपुरी के राजा रामचंद्र का नाम सुनती। तो लव और कुश किस तरीके से क्या पूछने लगे अपनी माँ से। अरे क्यों आंखों में आंसू आ गई, क्यों आंखों में आंसू आ गई माँ, चेहरा हुआ उदास तेरा। चुप कर करो माफ तुम्हें आज डबो दिया विश्वास मेरा। अरे ऐसी कौन सी गलती होगी माँ, दुख में भर गया रिसास तेरा। जिसका घोड़ा पकड़ के लाए वो हृदय का परकाश मेरा, तुम जिसका घोड़ा पकड़ के लाए वो हृदय का परकाश मेरा। अरे साफ बता दे जननी माँ, साफ बता दे जननी माना, भेद समझ मेरी आए हैं। गलती कभी मेरे लाडले भारी जुलम कमाए, तने गलती कर दी मेरे लाडले भारी जुलम कमाए हैं। रघुनाथ गुरु कहूँ, रघुनाथ गुरु कहूँ, हाथ जोड़ माँ भूल हुई हमसे भारी। कुछ भी दोष किसी का ना मैं, कर्मों की इस दुखी यारी। अरे नहीं समझ में आया जननी, तू खोल बता देने सारी। अरे वो अबद के राजा पिता तुम्हारे मैं दुखिया सुमहतारी, वो अबद के राजा है पिता तुम्हारे मैं दुखिया सुमहतारी। और राम कुमार न पेश चले दिखे, राम कुमार न पेश चले किसे हर ने खेल खिलाए हैं। कोई गलती कर दी मेरे लाडले सारी जुलम कमाए हैं। अरिया सुमेघ यज्ञ का घोड़ा हमें जीत के माता ले आए हैं। ओ गलती कर दी मेरे लाडले भारी जुलम कमाए हैं, दोने गलती कर दी मेरे लाडले भारी जुलम कमाए हैं। मेहरबानों, इस प्रकार लव और कुश अपनी माता सीता को कुटी से बाहर लाकर उस घोड़े को जब दिखाते हैं, घोड़े की पूंछ कर बंधे हुए हनुमान और सुग्रीव को देखकर जनक दुलारी सीता के धीरज का बांध टूट जाता है। मेहरबानों, रो पड़ती है
अरे बेवकूफो, अरे मूर्खो, ये तुमने क्या किया? अगर ये ना होते तो शायद मैं अपने स्वामी के दर्शन ना कर पाता। यही तो लंका की कैद से मुझे छुटा कर लाए। खड़ी हो जाती है मूर्तिवत सीता मेहरबानो सूर्य भगवान की तरफ हाथ करके, हाथ जोड़ के, हे सूर्य नारायण, अगर मैं सच्ची सती हूं इस जगत में तो ये जितने भी वीर सैनिक बेहोश हुए पड़े हैं या मर गए हैं, सब पुनः के पुनः ठीक हो जाने चाहिए। बस सूर्य भगवान सती की विनती को स्वीकार कर लेते हैं मेहरबानो। सभी सेना एकदम जैसे सोते से जाग गई हो। हनुमान और सुग्रीव खड़े होते हैं सीता जी को देखकर, चरणों में सर झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हनुमान को देखकर रो पड़ती है सीता। हे पवनसुत, अंजनी नंदन, तुम मुझे लंका से क्यों छुटा कर लाए थे? अगर तुम मुझे लंका से ना लाते तो आज ये दिन मुझे ना देखने पड़ते। बाकी इन दो नन्ने नन्ने बच्चों के सहारे यहां बियाबान बनखंड में मैं अपना समय बिता रही हूं, और इन्होंने जो मूर्खता की है इनको ध्यान में ना रखना। हनुमान और सुग्रीव हाथ जोड़कर कहते हैं सीता जी से, मां सीता, ये तो भगवान रामचंद्र लीला कर रहे हैं, इसमें ना उनका दोष है, उनके दिल और दिमाग पर तुम हमेशा छाई रहती हो, और इन बच्चों से पराजित होने का हमें कोई दुख नहीं है, सेवक तो स्वामी से सदा हारा हुआ होता है। इस तरीके की बात कहते हैं जब, और चलने के लिए आज्ञा मांगते हैं सीता से, हमें चलने की आज्ञा दो अवध में, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ भी पूर्ण करना है। प्रदक्षिणा देकर सीता वहां से विदा कर देती है सुग्रीव हनुमान को घोड़े को लेकर। वहां उस सेना के पास आते हैं जहां मूर्छित हुई सब सेना थी, सबके सब ठीक हालत में मिलते हैं। शत्रुघ्न लज्जावान से हो रहे हैं दो बालकों से पराजित होकर। तब हनुमान सुग्रीव ये बताते हैं, नहीं स्वामी, वे तुम्हारे ही अंशी हैं, भगवान रामचंद्र के पुत्र हैं जिन्होंने हमें पराजित किया, उनसे पराजित होना तो हमारा स्वाभाविक ही था। तब घोड़े को लेकर अवधपुरी में वापस जाते हैं मेहरबानों, और अश्वमेध यज्ञ सोने की सीता को बराबर बैठा के श्री रामचंद्र के यज्ञ पूरा हो जाता। अब भगवान राम का कोई शत्रु नहीं रह गया था। रामचंद्र के दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना नेमिसारण्य भूमि पर चलकर वहां अश्वमेध यज्ञ किया जाए। मेहरबानों, नेमिसारण्य भूमि गोमती नदी के किनारे है, और वहां 88,000 मुनि हमेशा तपस्या करते रहते हैं। वहां पर बहुत ही बेहतरीन इंतजाम हो गया यज्ञ का, और घोड़ा छोड़ दिया गया अश्वमेध यज्ञ के लिए। अब की बार उसके रक्षक बन के लक्ष्मण गए, घोड़ा भी वापस आ गया, सब राज परिवार भी नेमिसारण्य भूमि पर पहुंच चुका था, बड़े बड़े मुनि महामुनि वहां पहुंच रहे थे। अश्वमेध कराने के जो विशेषज्ञ माने जाते थे, भार्गव कश्यप भारद्वाज ऋषि जितने भी थे, सभी को आमंत्रित किया गया था। वाल्मीकि भी उस अश्वमेध यज्ञ में पहुंचे थे, कुछ मुनि कुमारों को और लवकुश को लेकर। लवकुश अपनी गाथा जो काव्य वाल्मीकि मुनि ने लिखा था रामायण का, उसको सबको सुनाते हुए फिर रहे थे। राम के दरबार में भी उन्होंने उस कथा को सुनाया। सबके दिमाग में ये बात आ गई कि वास्तव में ये श्री रामचंद्र जी के ही पुत्र हैं। सबके कहने के बावजूद रामचंद्र वाल्मीकि की सलाह से सीता जी को लेने के लिए भेजते हैं लक्ष्मण को दोबारा वन में से। सीता जी मना कर देती है, और लक्ष्मण क्या कहते हैं, दोनों के सवाल जवाब कैसे वाला। मना कर देती है सीता, लेकिन मेहरबानों जब लक्ष्मण ये कहते हैं कि भाई ने तुम्हें बुलाया है, तो चल पड़ती है और नेमिसारण्य भूमि पर पहुंच जाती है। वहां पांडाल लगा हुआ है, वाल्मीकि बड़े बड़े ऋषि मुनि सब वहां पहुंच जाते हैं। रामचंद्र जी ये कहते हैं कि सबके सामने सीता जी को अपनी शुद्धता का प्रमाण देना होगा। मेहरबानों, वो तो धरती में गड्डी सी जा रही थी, झुके हुए गर्दन और हाथ जोड़कर धरती मां से प्रार्थना करती है कि हे धरती मां, तुम मुझे अपनी गोद में समेट लो। और किस तरीके से विनती करती है धरती मां की इस बात के द्वारा। ओ हाथ जोड़ के खड़ी हुई, हो हाथ जोड़ के
खड़ी हुई और नीची नाड़ झुकाई, नो बोली है धरती माता करियो मेरी सहाई। ओ हाथ जोड़ के खड़ी हुई और नीची नाड़ झुकाई, नो बोली है धरती माता करियो मेरी सहाई। तेरी कृपा हो जा तो सब साफ सफाई छट जा, पाप धर्म का पर जाने सन्मुख बेरा पट जा। जो सुन के फिर तेरी करी तो मान सती का घट जा, जो मैं सती सती जगत में धरती माता फट जा, धरती माता फट जा। हो तुम सतियों में परम सती हो, तुम सतियों में परम सती हो, मैं तेरी शरण में आई, न्यू बोली है धरती माता तो करियो मेरी सहाई। ओ आज सभा में शरण में ले लो माता, जो ना उसमें पाप रती, साफ फैसला हो जाएगा बाकी रहे न बात सती। तेरे बिना ना और सहारा तेरे रही असिया सती, तेरे रही असिया सती। घर परिवार सभी नर नारी, घर परिवार सभी नर नारी देख रहे रघुराई, न्यू बोली है धरती माता करियो मेरी सहाई। आज परीक्षा पास करो फिर, आज परीक्षा पास करो फिर, मौका ना आने ना खाने का। सफल मनोरथ हो जागा इस यज्ञ में आने का, दया करो धरती माँ तुझ बिन मार्ग ना पड़े का, मार्ग ना पड़े का। शर्म से गात सुकड़ रा मेरा, शर्म से गात सुकड़ रा मेरा, मेरी सहाई। ओ अंबर गर्जा धरती फट गई, अंबर गर्जा धरती फट गई, सन्नाटा सा छाया, धरती में से रत्न जड़ाऊ पर आसन एक आया। मणिधर से पकड़ के हाथ बिठाया, सीता समा गई धरणी में, चंदमंगल ने गाया, चंदमंगल ने गाया। ओ फूल बरसे अंबर से, फूल बरसे अंबर से, सब देख लो लुगाई, कुछ भी पेश चली ना सीता धरणी बीच समाई। ओ हाथ जोड़ के खड़ी हुई और नीची नाड़ झुकाई, न्यू बोली धरती माता करियो मेरी सहाई। इस प्रकार सीता माता धरती में समा जाती है और ये किस्सा लव कुश का यही समाप्त होता है। जय हिंद।